सोशल मीडिया पर तेजस्वी प्रकाश के नागिन 6 को बहुत ही ज्यादा एक्लेमेशन मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये शो। तेजस्वी की एक्टिंग को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में एक सेक्शन ऐसा आ गया है जो इस शो पर सवाल उठा रहा है। जी हाँ, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। आप सभी को बता दूं कि इस वक्त एक अपडेट जो है वो सामने आ रही है। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि तेजस्वी का शो नागिन 6 जो है टीआरपी के मामले में बहुत ही आगे निकल गया है। कलर्स का अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर शो बनकर उभर रहा है। ऑफकोर्स फिक्शनल शो जो कि पूरा जिसके कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तेजस्वी ऑफकोर्स बहुत बड़ा रीजन है इस शो के आगे जाने का। लेकिन ऐसे में कुछ जनता ऐसी है, कुछ सेक्शन ऐसा है लोगों का जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस शो में ऐसा क्या है जो ये इतनी ज्यादा टीआरपी बटोर रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस बार थर्सडे को जब नागिन 6 की टीआरपी आई तो 2.2 की रेटिंग, बम्पर रेटिंग 2.2 को बहुत अच्छी रेटिंग माना जाता है टेलीविजन की दुनिया में, और ये रेटिंग तेजस्वी प्रकाश के शो को हासिल हुई। सिम्बा और तेजस्वी की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। बट आपको बता दूं कि देखिए, रिसेंटली एक पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है, यहां पर सिम्बा है, महक है और बीच में तेजस्वी है, और यहां पर काफी कुछ लिखा है जो मैं आपको बताती हूं। इस पर सवाल पूछा जा रहा है, नागिन 6 रिकॉर्ड्स हाईएस्ट टीआरपी ऑफ द सीजन विद रेटिंग ऑफ मैसिव 2.2, डू यू थिंक दिस टीआरपी इज गोइंग हाई बिकॉज ऑफ तेजस्वी और नागिन 6 कॉन्टेंट इज रियली गुड। अब यहां पर सवाल ये उठा रहे हैं कुछ लोग, कुछ सेक्शन ऐसा है जो जानना चाहता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है, सिर्फ टीआरपी इसलिए आ रही है क्योंकि तेजस्वी प्रकाश शो के अंदर है, या फिर शो का कॉन्टेंट एक्चुअली वॉच वर्दी है, एक्चुअली शो के कंटेंट में कुछ बात है और जनता देखना चाह रही है इसीलिए इसको टीआरपी मिल रही है। वेल, जवाब में अब तक ना कलर्स ने ना ही तेजस्वी ने कुछ कहा है, लेकिन वो अलग बात है, तेजस्वी के फैंस जो है तेजा ट्रूप्स वो तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इस बारे में क्या है कहना? आपके हिसाब से तेजस्वी की वजह से शो को टीआरपी मिल रही है या फिर शो का कॉन्टेंट एक्चुअली में काफी अच्छा है इसीलिए मिल रही है? बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में।